सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं आजकल के बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते, स्कूल जाते हैं और स्कूल टाइम पास करके घर वापस आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या नहीं करते। मजदूरी करते हैं, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छे भविष्य की उनकी कल्पना करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल 24 घंटे मोबाइल में उनका ध्यान रहता है। स्कूल से आ गए, ट्यूशन से आ गए, उसके बाद मोबाइल देख रहे हैं। अब ये नहीं सोच रहे कि हमें जो वर्क दिया है स्कूल से या फिर ट्यूशन से, तो उस काम को करें, लेकिन वो कभी वर्क नहीं करते। और आजकल के बच्चे बिल्कुल मोबाइल में डूबते जा रहे हैं। लेकिन बच्चों ये तो सोचो कि कल परसों तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। सर्विस वैसे भी नहीं मिल रही है और प्राइवेट जॉब भी नहीं है कहीं। आप अपना फ्यूचर बताओ कि फ्यूचर क्या होगा। कम से कम पढ़ा लिखा होने से कुछ तो तुम्हें हासिल होगा। कल परसों तुम बड़े होगे तो उसमें तुम्हारे माइंड में कई प्रकार के बातें आएंगी या कई प्रकार के बिजनेस प्लान आएंगे जिससे कि आप उस काम को कर सकते हो, क्योंकि पढ़े लिखे होने से ही सब कुछ हो सकता है। और पढ़ाई लिखाई हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स के सपनों को ना तोड़ो, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात ना करो और अपने पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करो और उनको ऐसे संस्कार लेकर आओ जिससे आपके पेरेंट लोगों को गर्व हो कि कितने अच्छे संस्कार इनके पेरेंट्स ने इस बच्चे को दिए हैं। इस करके मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे संस्कार सीखो, अच्छा आचरण सीखो, कभी भी गलत रास्ते पर ना भटको। क्योंकि उन पेरेंट्स से पूछो जो आप गलत रास्ते पर भटकते हो और गलत रास्ते पर जाते हो और गलत गलत चीज़ें आप अपनाते हो, तो आपके पेरेंट्स भी कितना क्या बीतती होगी उनके दिल पर, उनसे पूछो। इस करके कोई भी ऐसे काम ना करो जिससे कि आपके पेरेंट्स को हमेशा सिर झुका के चलना पड़े और हमेशा उनके दिल में यही डर लगा रहे कि कल परसों आपने पता नहीं कौन सी मुसीबत उनके सामने खड़ी कर देनी है। रिक्वेस्ट है मेरी सबसे सब बच्चों से कि आप अच्छे रास्ते पर चलो और अच्छे संस्कार सीखो। धन्यवाद।